चैप्टर 3 में से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो RSCET के एग्जाम में आते रहते हैं, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न एंटीवायरस में से कौन सा विंडोज 10 का इनबिल्ट एंटीवायरस है, मतलब कि कौन सा विंडोज 10 का पहले से ही एंटीवायरस के रूप में मौजूद एप्लीकेशन होती है, वो होती है विंडोज डिफेंडर, क्विक हिल, नॉर्टन एंड एवेरा। ये हमें अलग से एक्सटर्नली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है, जबकि विंडोज 10 का विंडोज डिफेंडर ये एंटीवायरस इनबिल्ट होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है। तो हमारे पास में कौन कौन सा ऑप्शन है, विंडोज 8.1, मैक ओएस, लाइनक्स एंड यूनिक्स। विंडो 8.1, मैक ओएस एंड लाइनक्स, इन तीनों में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड होता है, जबकि एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा है, वो है यूनिक्स, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन सी ऑप्शन विंडोज मोबिलिटी सेंटर में मौजूद होती हैं, ब्राइटनेस, वॉल्यूम एंड सिंक सेंटर, ये तीनों ही विंडोज मोबिलिटी सेंटर में उपलब्ध होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑल ऑफ द अबोव। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हम ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं, विंडो XP, VLC, मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर एंड फोर्थ वन फोटोशॉप। VLC, एडोब रीडर एंड फोटोशॉप ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि विंडो XP ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नहीं आता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन का, वो हुआ ए, विंडो XP एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता, कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें मल्टीटास्किंग नहीं होती, वो है हमारा MS-DOS। MS-DOS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें आप मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ डी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हम इसके ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। हमारा ऑप्शंस है डॉस, लाइनक्स, विंडोज एंड ओरेकल। डॉस, लाइनक्स एंड विंडोज ये तीन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि एक ओरेकल डेटाबेस के लिए प्रोवाइड होने वाली चीज़ है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का, वो हुआ डी, ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जा सकता है। अगर आप एक एप्लीकेशन लॉन्च करना चाहो उसके लिए कर सकते हो विंडोज बटन, या फिर डिवाइस की सेटिंग के लिए जाना चाहो तब जाके कर सकते हो, या फिर सिस्टम को बंद करना चाहो तब आप कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, हम विंडोज बटन का तब तब यूज कर सकते हैं जब हम एप्लीकेशन लॉन्च करनी हो, डिवाइस की सेटिंग में जाना हो, सिस्टम में कुछ चेंजेज करने हो, या सिस्टम बंद करना हो, तो हम सारे कार्य के लिए विंडोज का स्टार्ट बटन यूज कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ डी, उपरोक्त सभी कार्य के लिए हम विंडोज के स्टार्ट बटन का यूज कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टास्क बार में एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाली एप्लीकेशन के आइकन है और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया जाता है, मतलब टास्क बार में जो आपको साइड में दिखते हैं ना जिसमें दिनांक और समय प्रदर्शित होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोल देते हैं सिस्टम ट्रे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, सिस्टम ट्रे। उसे हम टास्क बार नहीं बोलते, क्विक लॉन्च नहीं बोलते और स्टार्ट बटन ये भी नहीं बोलते, तो हम इसे क्या बोलते हैं, सिस्टम ट्रे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन नहीं है, कि ऐसी कौन सी विंडोज की ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं है। तो विंडो 10 एंड विंडो विस्टा में स्टार्ट बटन है, जबकि विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ विंडोज 8। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम वन बाई वन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, ऑल द फाइल्स इनसाइड द डायरेक्टरी आर मूव्ड, कि डायरेक्टरी, जैसे डायरेक्टरी मतलब एक लोकेशन हो गई, उस लोकेशन पे जो भी चीज़ें पड़ी होगी वो सारी की सारी मूव हो गई। ये हमारे ऑप्शन वन का कहना है।
ऑप्शन दो का क्या कहना है, ऑल सब डायरेक्टरी इन साइड द डायरेक्टरी आर गॉन, कि उसके अंदर के जो भी सब फोल्डर होंगे वो सारे के सारे चले जाएंगे। हमारा तीसरा ऑप्शन है द डायरेक्टरी इज मूव्ड बट द फाइल्स आर नॉट, ये हमारा गलत आंसर है कि डायरेक्टरी के साथ में हम फाइलों को भी मूव करेंगे। और हमारा फोर्थ ऑप्शन है ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ हमारे स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू वो दोनों सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ डी बोथ ए एंड बी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद जो एरिया दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, तो हम जैसे कंप्यूटर में लॉगिन हो जाते तब हमें जो दिखती है ना उस चीज़ को हम डेस्कटॉप बोलते थे, स्क्रीन नहीं बोलते, मॉनिटर नहीं बोलते, डिस्प्ले नहीं बोलते, उसे हम डेस्कटॉप बोलते, तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ सी। हमारा अगला क्वेश्चन है एक स्पेस उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है, तो फाइलों को रखने के लिए एक ऐसे डिस्क बनाते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम फोल्डर बोल देते हैं जिसके अंदर हम फाइलों को संग्रहित करते हैं, फाइलों को स्टोर करते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर है ए उसे हम फोल्डर बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इस बटन पर क्लिक करके आप अपनी डिवाइस को स्लीप मोड अथवा डिवाइस को शटडाउन और रिस्टार्ट कर सकते हैं, तो वो कौन सा बटन है जिस पर आप क्लिक करके अपने डिवाइस को रिस्टोर शट डाउन करना हो स्लीप मोड में डालना हो तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो, तो इसका कौन सा आंसर हुआ, वो हुआ पावर बटन। एक ऐसा बटन होता है जिसके द्वारा आप शट डाउन रिस्टार्ट और स्लीप मोड में अपने डिवाइस को रख सकते हो, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है असत्य कथन को पहचानिए कि कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है, आप रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं, यदि आपको कभी ज़रूरत है तो रिसाइकल बिन से किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, आप रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क के स्थान को बढ़ा सकते हैं, आप राइट क्लिक कर सकते हैं और एम्प्टी रिसाइकल बिन को चुनकर एक बार में रिसाइकल बिन को साफ कर सकते हैं, तो हमारे पास में ऑप्शन है ए बी एंड डी, ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो जबकि ऑप्शन सी में हमें क्या बताया गया है कि आप अपने रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क का स्थान बढ़ा सकते, ये काम हम नहीं कर सकते क्योंकि रिसाइकल बिन में अगर आप फाइलें ट्रांसफ़र करोगे तो वो आप गलती से आपने डिलीट की है तो उनको रिस्टोर कर सकते हो पर वो आपका स्पेस नहीं बढ़ेगा उससे। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य हम स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते, ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं फ्री फ्रॉम स्निप, विंडो स्निप, विंडोज टूल एंड फुल स्क्रीन स्निप, तो ऑप्शन ए बी एंड डी ये तीनों ही कार्य है जो हम स्निपिंग टूल से कर सकते हैं, जबकि विंडोज टूल में जाने के लिए हम स्निपिंग टूल का उपयोग नहीं करते, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का, वो हुआ सी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक कीजिए और लोगों के साथ में शेयर कीजिए जो भी RSCIT का एग्जाम देने वाले हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। CNC Infotech आपके हमेशा उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।